कांगड़ा जिले के ज्वाली में एयरफोर्स का बिंग 21 क्रैश हो गया है। विमान में सवार पायलट की तलाश जारी है। हादसा ज्वाली के पट्टा जाटिया के नजदीक गांव पली में हुआ। हादसे की जगह पर विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हवा में ही विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और आखिर में ये एक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस विंग 21 ने पंजाब के पठानकोट एयरवेज से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि पठानकोट एयरवेज से भी एक टीम रवाना कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने आसमान से विमान गिरते देखा है और इसका मलबा काफी दूर तक फैल गया। विमान क्रैश होने वाली जगह के लिए स्थानीय प्रशासन रवाना हो गया है। एसपी कांगड़ा ने मामले में हादसे की पुष्टि की है। एसपी संतोष पटियाल ने बताया कि एयरफोर्स का विमान विंग 21 ज्वाली के पास क्रैश हो गया है। फिलहाल मौके पर प्रशासन पहुंच गया है और इसकी पड़ताल की जा रही है। हादसे में विमान का मलबा काफी दूर तक फैला हुआ है। अभी तक इसके पायलट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पायलट ने विमान को लेकर पठानकोट एयरवेज से उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद एयरवेज से विमान का संपर्क टूट गया। अभी अभी मिली हमें सूचना कि ज्वाली पुलिस स्टेशन के एरिया में पट्टा जटिया करके जगह है, वहाँ पे कोई प्लेन क्रैश हो गया है। एयरफोर्स ऑफिसर से हमने पठानकोट में कॉन्टैक्ट किया है, तो उससे पता लगा है कि ये मिग 21 जो प्लेन था वो पठानकोट से टेक ऑफ किया था और उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट जो है वो उनके वहाँ से जो उनका सिस्टम से टूट गया था। कभी पुलिस और बाकी वहाँ पर पहुँच गए हैं, स्पॉट पर आग बुझाली गई है, लेकिन जो इसका प्लेन का मलबा है वो काफ़ी एरिया में स्कैटर्ड है और एक ही पायलट इसके अंदर थे, उसमें उनके लिए खोज जो है जारी है। सर जहाँ गिरा है वहाँ कोई किसी को चोट नहीं लगी है, पायलट को हम लोग खोज रहे हैं। ये प्लेन में गिरा है कहीं रिहायशी एरिया में? ये प्लेन में किसी खेत में गिरा हुआ है।